वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है किस टाइप से, कि सिक्स डाइस हैं आर थ्रोन 729 टाइम्स, ठीक है। जैसे अब तक के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, क्या था हमारे पास, कि हमारे पास शुरू में एक कॉइन है, ठीक है, या फिर एक डाइस है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सैंपल स्पेस था, या फिर कोई बैग है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सैंपल स्पेस था, ठीक है। उसको उसको एंड टाइम हमने रिपीट किया था, ठीक है, एंड टाइम रिपीट किया था इस तरीके से, ठीक है, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी थी। अब एंड टाइम रिपीट किया, अब जो शुरू में सैंपल स्पेस है, अब जरूरी थोड़ी ना कि हर बार एक ही हो, जरूरी तो नहीं है ये, ठीक है। किस तरीके से, एग्जाम्पल के लिए कि दो कॉइन हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दो कॉइन है और उनको एंड टाइम हमें थ्रो करना है, इस तरीके से ही पॉसिबल है, वहाँ पर भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल की तो सिर्फ ये कंडीशन होती है, कौन सी, सबसे पहली बर्नौली ट्रायल, ठीक है, सबसे पहली बर्नौली ट्रायल, मतलब उसकी चार कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हमें एन पी और क्यों में से एक चाहिए और आर निकालना होता है, ठीक है, फॉर्मूले के लिए। और लास्ट क्या थी हमारे पास, कि एन लार्ज होना चाहिए, यही थी अब तक, तो यही था कि जैसे एन 10 हो, 100 हो, एग्जाम्पल के लिए इस टाइप से, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, हमारे पास है सिक्स डाइस, ठीक है, सिक्स डाइस है, आर थ्रोन 729 टाइम्स, ठीक है। अगर इसी कंसेप्ट से चले, ठीक है, इसी कंसेप्ट से चले कि हमारे पास सैंपल स्पेस में है, जैसे सैंपल स्पेस या फिर कहीं एक बैग में सिक्स डाइस है हमारे पास, ठीक है, जैसे एक थी या फिर दो हैं, यहाँ पर है सिक्स, ठीक है, उनको 729 टाइम्स हमने थ्रो किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो इसको हम एन लेके चलिए, 729, इसका तो यही मतलब हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए एन लिखते हैं, और वो प्रोसेस कितनी बार हुआ, 729, ठीक है। अब इसको एक तो इस तरीके से लेके चले, यहाँ पर डिफिकल्टी पता क्या आएगी, क्या, कि जो फॉर्मूला हमारा किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू आर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आर सिर्फ एक तरीका होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है फॉर्मूला, एन सी आर, ठीक है, एन सी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, इस तरीके से होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हम इसको एन को यहाँ पर 729 लेके चले, ठीक है, 729 लेके चले, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर ये फैक्टर क्या आएगा, 729 सी, ठीक है, और आर, आर क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर एटलीस्ट थ्री के लिए गिवन है, ठीक है, एटलीस्ट थ्री के लिए गिवन है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले थ्री की अलग निकलेगी, ठीक है, एटलीस्ट थ्री का मतलब क्या हुआ, कि कम से कम तीन डाइस पर इस तरीके से कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, कम से कम तीन और तीन से ज़्यादा जितनी भी हो, जैसे यहाँ पर सिक्स डाइस है तो सिक्स तक, इन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालने में इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, अब इस फैक्टर को सोल्व करने लगे हम, किसके बराबर होगी इसकी कैलकुलेशन, इस थ्री की वजह से ऊपर इस टाइप के तीन फैक्टर आएंगे, एक का डिफरेंस, ठीक है, एक का डिफरेंस और नीचे तीन फैक्टोरियल, इस तरीके 729, 8 और 7, इस तरीके से, ठीक है, एक का डिफरेंस और तीन फैक्टर और नीचे तीन का फैक्टोरियल, इस तरीके से। एक तो ये कैलकुलेशन लंबी है, ठीक है, अब इसको छोटी कैसे बना सकते हैं, हम इसी कैलकुलेशन को छोटी कैसे बना सकते हैं, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो इसी को एन लेके लेना चाहिए हमें, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कोई भी काम कितनी बार हुआ, ठीक है। लेकिन अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, किस तरीके से, कि एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है, उसको हमने दो टाइम टॉस किया, ठीक है, एक कॉइन है, दो टाइम टॉस किया, यहाँ पर सैंपल स्पेस किस तरीके का होगा, सैंपल स्पेस में क्या क्या होंगे, यहाँ पर एलिमेंट या फिर सैंपल पॉइंट दोनों ऐड हो सकते हैं, एक ऐड वो पहले या फिर बाद में, और फिर दोनों टेल, यही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल कि दो कॉइन है, ठीक है, दो कॉइन है और उसको, उनको दोनों कॉइनों को एक बार टॉस करना है, या फिर कहीं दोनों कॉइनों को साथ में टॉस करना है, फिर सैंपल स्पेस क्या बनता है,
फिर भी तो यही बनता है एड एड टेल टेल एड टेल टेल। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या है कि या तो हम एक कॉइन को जैसे दो बार टॉस करें, ठीक है, मतलब ये है सैंपल स्पेस हमारे पास, मतलब सैंपल स्पेस का मतलब हमारे पास शुरू में ये है, ठीक है, एक कॉइन है और इसको दो बार थ्रो करने का मतलब ये है नंबर ऑफ ट्रायल्स दो, ठीक है, या फिर कहें इसका अपोजिट कि एक बार थ्रो किया तो एक ट्रायल और दो हमारे पास शुरू में कॉइन है, एक ही बात हुई, दोनों का सैंपल स्पेस इक्वल है, एक ही बात है, बस यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है। किस तरीके से? जैसे यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास सिक्स डाइस और उनको 729 टाइम्स हमें थ्रो करना है, ठीक है, या फिर हम इसी को, ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास 729 डाइस हैं, ठीक है, 729 डाइस हैं और उनको हमें थ्रो करना है कितनी बार, सिक्स बार, इस तरीके से तो भी रिजल्ट एक आएगा, तो भी रिजल्ट एक आएगा। जैसे ये तो था एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल किस तरीके से, जैसे हमारे पास शुरू में है एक डाई, ठीक है, एक डाई है उसको तीन बार टॉस किया, ठीक है, तीन बार टॉस करें या फिर थ्रो किया हमने, ठीक है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, एक डाई की पॉसिबिलिटी सिक्स, वन से सिक्स नंबर तक, दूसरे पर भी इस तरीके से, और जब तक काम कंप्लीट ना हो मल्टीप्लाई, मतलब सिक्स की पावर थ्री, एक बात, ठीक है, और अब इसका अपोजिट, इसका अपोजिट मतलब तीन डाई हैं और उनको एक बार थ्रो करना है, ठीक है, तो भी सैंपल स्पेस कितना बनेगा, सिक्स का क्यूब, इस तरीके से एक ही तो बात हुई। तो यहाँ पर भी बस यही ध्यान देना है हमें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो दो बातें थी, एक बर्नौली ट्रायल, ठीक है, बर्नौली ट्रायल, ट्रायल ये जो ट्रायल है, ट्रायल में सिर्फ चार कंडीशन इस तरीके से थी, कौन कौन सी थी चार कंडीशन, कि एक तो फाइनाइट के लिए, ठीक है, फाइनाइट मतलब जिसको गिन सके, अब यहाँ पर सिक्स को भी गिन सकते हैं और 729 को भी, दोनों इनफाइनाइट नहीं है। दूसरी इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किस तरीके, जैसे यहाँ पर है शुरू में सिक्स डाइस है, एक बार थ्रो की, उसका उस ट्रायल से कोई मतलब नहीं, फिर से सिक्स डाइस हैं उनको दोबारा थ्रो किया इस तरीके से 729 टाइम्स, इंडिपेंडेंट है, यही बात यहाँ पर होगी, 729 डाइस हैं, सिक्स बार थ्रो की, इंडिपेंडेंट भी हैं। फिर थर्ड कंडीशन, थर्ड क्या थी कि दो आउटकम होनी चाहिए, कौन कौन सी, सक्सेस के लिए और फेलियर के लिए, इस तरीके से, ठीक है, ये कंडीशन थी। और लास्ट क्या थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर फेलियर सेम रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए सभी ट्रायल के लिए। यहाँ पर ये दोनों बात इसके लिए भी अप्लाई होंगी, इसके लिए भी अप्लाई, बस यही बात ध्यान देनी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कहा है एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, वो लार्ज होना चाहिए, ठीक है, वो लार्ज होगा मतलब तभी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली लगाते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि हम इसी को एन लेके चलें कि वो काम कितनी बार हुआ, ठीक है, वो काम कितनी बार हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे इस एग्जांपल के लिए, जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों के सैंपल स्पेस लिख दिए, अब इसी टाइप से हम इनके लिखें तो जो हमने लेके चले हैं, मतलब एक तो गिवन थी, इसका सैंपल स्पेस होता कैसा, मतलब कितने एलिमेंट होते, पहली बात तो सिक्स डाइस हैं, ठीक है, सिक्स डाइस हैं, जैसे एक डाई इस तरीके से, दो तीन चार पाँच छः इस तरीके से, ठीक है, और उनको 729 टाइम्स थ्रो करना है। सबसे पहले तो एक बार थ्रो करेंगे, ठीक है, जब एक बार थ्रो करेंगे तब सैंपल स्पेस कितना होगा, जैसे एक डाई है, ठीक है, तीन बार थ्रो किया, या फिर कहीं शुरू में तीन डाई हों और एक बार थ्रो किया तो था सिक्स का क्यूब। अब एक यहाँ पर क्या है, सिक्स डाई है, तीन की जगह क्या है, सिक्स, और ये एक बार थ्रो किया तो सैंपल स्पेस कितना होगा, सिक्स की पावर, जैसे यहाँ पर क्यूब था, यहाँ पर सिक्स होगा, इस तरीके से होगा, यही सिक्स की पावर सिक्स, इस तरीके से चलता रहेगा सैंपल स्पेस, और ये 729 टाइम्स होगा, इसका ये मतलब है, ये सिक्स की पावर सिक्स 729 टाइम्स लिखनी है हमने, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 729 डाइस हैं, ठीक है, जैसे शुरू में सिक्स थी, 729 डाइस हैं, तीन के लिए सिक्स का क्यूब लिखा, इसी तरीके से
यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे 6 का क्यूब लिखा 3 डाइस के लिए, 6 के लिए लिखा पावर में 6, तो 729 के लिए पावर में क्या आएगा, इसी तरीके से 729 आएगा, सेम फैक्टर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये तो पहली बार के लिए, अब करना ये प्रोसेस 6 बार, तो 6 की पावर 79, 729 कितनी बार, 6 बार, 6 टाइम्स इस तरीके से, तो एक ही बात रहेगी, ठीक है, एक ही बात रहेगी, ठीक है, बस यही ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकल को बस इस तरीके से लेके चलेंगे हम सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, इस तरीके से कि 729 डाइस है थ्रो 6 टाइम्स, एक ही बात होगी, ठीक है। एन एन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, अब यहाँ पर एन क्या होगा, ये तो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, इस सैंपल स्पेस की वजह से ही तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है या फिर लार्ज है, ठीक है। तो एन क्या है, एन है 6, ठीक है, ये 6 लेके चले, जो ये फॉर्मूला, एक तो यहाँ पर एन की जगह 729 लिखे, इस तरीके से फैक्टर आएंगे, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करें, या फिर इस एन की जगह सिंपल 6 पुट कर लें तो कैलकुलेशन आसान होगी, बस इसके लिए, ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए दोनों ही आंसर सही आएंगे, ठीक है, एन 6 लेके चले। अब आगे क्या है, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है, ये कितनी बार रिपीट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि हाउ मैनी टाइम्स की एन निकालना, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में था, अब यहाँ पर क्या है, एन तो 6 है, मतलब 6 बार एन होती है ट्रायल, कितनी बार वो प्रोसेस हुआ, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें डू यू एक्सपेक्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसका ये मतलब है, ठीक है, किसकी, एटलीस्ट 3 के लिए, ठीक है, एटलीस्ट 3 का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक बार आर की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से, ठीक है, और सभी का सम करना है, सभी का सम करना है। फिर आगे क्या है, टू शो 5 और 6, डाई पर 5 आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए, ये किसकी कंडीशन है, ये है पी और क्यू की, बस 5 और 6, जब 5 और 6 आएगा तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी गिवन है, मतलब 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है डाई पर, 2/6 या फिर 1/3, और क्यू की कितनी बची, 2/3, इस तरीके से। आगे हमें पता है क्या करना, आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन है, इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि हमने कहा कि यहाँ पर आर की जगह एक बार 3 पुट करेंगे, फिर जैसे आर की जगह 3 पुट किया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या, जैसे कि हमारे पास ये तो एक तरीके से शुरू में हमारे पास, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल है, ठीक है, या फिर कहीं शुरू में एक बैग में इतनी डाइस है, 6 बार या हमने थ्रो की है, मतलब ये ट्रायल हुई, ठीक है, और इस तरीके से। अब हो सकता है इसका आर इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 3 डाइस, ठीक है, लेकिन ये आर जो है 3, 4, 5, 6 लिखी हमने, ये बात ध्यान देने की है, ये इससे रिलेट नहीं कर रही, ये इस एक्सपेरिमेंट से रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है, ये इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेट करेंगे, ठीक है, ये आर 3, 4, 5, 6 इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेट करेंगी, क्यों करेंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 6 डाइस थी, उनमें से कम 3 पर 5 और 6 आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं है कि 729 में से, तब होता हमारे पास तो 729 डाइस हैं, हमें अगर इसके हिसाब से लिखें, ठीक है, 729 के हिसाब से, तो आर पता है क्या हुआ, एटलीस्ट 3 के लिए निकाल लेंगे, 4 के लिए, और ये चलता रहेगा कहाँ तक, जब तक 729, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, ये आर आर तो यहाँ से लेना है, आर तो यहाँ से लेना हमें, लेकिन जो ये है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ एन लेना है, बस ये दो बातें यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमें ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसको 6 बार किया, फॉर्मूले में किस तरीके से आएगा, जैसे फॉर्मूले के लिए जब 3 के लिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6c, ठीक है, जब मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें किसकी, x इज इक्वल टू आर, सबसे पहले 3 के लिए, इसका ये मतलब है, ठीक है, क्या आएगा, 6c3, ठीक है, इस फॉर्मूले की वजह से, p की पावर r है, p था 1/3, उसकी पावर r है 3, इन टू में क्या है, 2/3 है, q की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 6 - 3, 3, ये मतलब है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ तो कहीं पर भी नहीं आई, ये तो सिर्फ मतलब ये सिर्फ एक डाई होती, ठीक है, एक डाई होती,
उस पर सिक्स टाइम्स के लिए हमने ये मान लिया पी और क्यू हैं, पी और क्यू हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये 729 डाइस का कहाँ पर रोल है, मतलब इसको जो इसको कैपिटल एन लेके चलेंगे, ठीक है। कैपिटल एन क्या है, शुरू में हमारे पास एक तरीके से बैग है या फिर हमारे पास सैंपल स्पेस है या फिर कहीं यूनिवर्सल है इस तरीके से, ठीक है। और वो एन, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो एन है स्मॉल एन और एक है कैपिटल एन। एन तो है नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए स्मॉल एन, लेकिन कैपिटल एन है वही प्रोसीजर कितनी बार, ठीक है। मतलब हमारे पास एन है होगा इनिशियल कंडीशन में इस तरीके से लार्ज के लिए, ठीक है। और जो स्मॉल एन जो हमें फॉर्मूले के चाहिए वो हम स्मॉल लेके चलेंगे, और लास्ट में करना कुछ नहीं, तीन सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, इस 729 से मल्टीप्लाई करनी है सभी जगह। 3 के लिए तो यहाँ पर एन की मल्टीप्लाई करनी है, इसका ये मतलब है 729 की मल्टीप्लाई करनी है इस तरीके से सभी टर्मों में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।